नमस्कार स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे ये क्लास है फिजिक्स की और इस फिजिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे एम सी क्यू क्वेश्चन यहाँ पे हम जो है वो दस एम सी क्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये वही एम सी क्यू क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं तो एम सी क्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आपकी एक तरह से जो है वो समझ बन सके कि, कि किस तरह से जो है आप एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम अपना जो आज की क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन नंबर इलेवन है लेकिन हम फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करेंगे इसको क्या क्वेश्चन है यहाँ पे वन डे इज़ इक्वल टू जो वन डे होता है वो किसके बराबर होता है ऑप्शन ए है टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट सनराइज ऑप्शन बी है टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड वन सनसेट ऑप्शन सी है टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड मिडनाइट एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे नन ऑफ द अब अब तो वन डे जो इक्वल होता है यानी वन डे एक दिन जो पूरा हम कंप्लीट कंसीडर करते हैं वो कहते हैं टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज यानी क्वेश्चन नंबर इलेवन का या फिर मैं बोलूं क्वेश्चन वो फर्स्ट का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए दैट इज टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज उसी तरह से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है यहाँ पे वेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशंस जब बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में जो है वो मूव uh, करती है तो उस केस में जो है उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए है एक्चुअल स्पीड ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड जो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी जो उसकी एवरेज स्पीड होगी ऑप्शन बी है एक्चुअल स्पीड इज़ लेस देन द एवरेज स्पीड ऑप्शन सी है एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अव तो जब भी कोई बॉडी जो होती है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती है यूनिफॉर्म मोशन में मूव करने का क्या मतलब है कि ना तो उसकी कोई स्पीड चेंज हो रही है ना बिलासिटी ना कोई उसमें एक्सेलेशन लग रहा है वो यूनिफॉर्म एक ही स्पीड और बिलोसिटी के साथ क्या कर रही है वो मूव कर रही है तो क्या होगा उस केस में उस केस में जो उसकी एक्चुअल स्पीड होती है वो बराबर हो है एवरेज स्पीड के तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच अमंग द फॉलोइंग एक्सिबिट यूनिफॉर्म मोशंस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है ऑप्शन ए है मोशन ऑफ अ बस ऑप्शन बी है मोशन ऑफ अ विंड ऑप्शन सी है मोशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन अ इनक्लाइंट प्लेन ऑप्शन डी है मोशन ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपको बताना है कि इनमें से यूनिफॉर्म मोशन कौन सी है तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म मोशंस क्या होती हैं जो जिनकी स्पीड या वेलोसिटी जो है क्या हो चेंज ना हो वो एक यूनिफॉर्म मोशंस में क्या हो मूव uh, कर रही हूँ बॉडीज तो यहाँ पे देखिए बस जो है वो अपनी स्पीड चेंज कर सकती है तो उसकी जो स्पीड होगी उसकी जो मोशन होगी वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाई जाती है ठीक है उसी तरह विंड है और उसी तरह आपसे आपके पास जो है ऑप्शन नंबर है, सी है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मोशन ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच यानी कि जो आपके पास घड़ी की आपकी जो सेकंड हैंड जो सुई होती है उसकी जो मोशन होती है वो कौन सी कहलाएगी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन जो है वो कहलाएगी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग एग्जिबिट नॉन यूनिफॉर्म मोशन पहले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पूछा हुआ था अब यहाँ पे पूछा गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तो नॉन यूनिफॉर्म उसका उल्टा हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का जिसमें क्या हो रहा होगा जिसमें आपकी स्पीड या हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो रही होगी उस मोशन को हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन जो है हम बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे मोशन ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच ऑप्शन बी है मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ऑप्शन सी है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अब तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि क्या हुआ था uh, जो यूनिफॉर्म मोशन थी वो हमने कौन सी कंसिडर की थी मोशन ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ वो कौन सी मोशन होती है आपके पास यूनिफॉर्म मोशन होती है तो इस केस में क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म पूछा हुआ है तो बाकी तीन यानी बी सी डी जो है आपकी कौन सी मोशन है नॉन यूनि सॉरी यूनिफॉर्म मोशन है और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए यानी मोशन ऑफ अ सेकेंड हैंड वॉच क्योंकि ये कौन सी uh, आपके पास मोशन uh, है आपके पास ये uh, किसमें कंसिडर की है हमने यूनिफॉर्म मोशन में हमने कंसिडर की हुई है उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजिशन सॉरी एक बॉडी को कब मोशन में कहा जाएगा जब अब जब वो जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेगी लेकिन किसके साथ ऑप्शन नंबर ए है विद रिस्पेक्ट टू इट ऑप्शन नंबर बी है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑप्शन सी है विद रिस्पेक्ट टू एयर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज यानी कि जब कोई बॉडी आपसे पूछा गया है कि वो कब मोशन में कहलाएगी जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी किसके साथ चेंज करेगी वो करेगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग किसके साथ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग यानी यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग लेंथ इज करेक्ट यहाँ पे कौन सी ऑप्शन uh, दिए हुए हैं आपके पास कौन सी लेंथ जो है वो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए है वन किलोमीटर सेकेंड ऑप्शन बी है 150 किलोमीटर ऑप्शन सी है 150 किलोमीटर ऑप्शन डी है 150 किलोमीटर यहाँ सिर्फ लिखने में जो है वो डिफरेंस आया हुआ है तो बस आपको ये बताना है कि जो लेंथ है उसका सही यूनिट जो है वो किस तरह से कंसिडर किया जाता है लेंथ का यूनिट आपको पता है मीटर और किलोमीटर में हम लेते हैं तो यहाँ पर जो है सही किस तरह से होगा ना तो उसमें हम सेकंड कंसीडर करते हैं ना हम उसे डॉट की तरह लिखते हैं ठीक है तो सही आंसर जो इसका होगा वो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज वन किलोमीटर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डिराइव्ड यूनिट इनमें से कौन सी यूनिट है जो डिराइव्ड यूनिट है आपको पता होना चाहिए मैंने आपको जब यूनिट और मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि दो तरह की यूनिट्स होती हैं हमारे पास कौन कौन सी एक होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स और एक होती हैं ड्राइव यूनिट्स आपको मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो हमारे पास सेवन है और ड्राइव्ड यूनिट का क्या मतलब होता है ड्राइव्ड यूनिट का मतलब होता है जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं ठीक है वो सारी आपके पास कौन सी यूनिट्स होती हैं डिराइव्ड यूनिट होती हैं और जो सेवंथ ही आपके पास फंडामेंटल यूनिट ये उन्हीं से मिलकर जो है वो बनी होती हैं ये सेवन जो फंडामेंटल यूनिट्स थी वो कौन कौन सी थी वो सारी की सारी यूनिट्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी थी यहाँ पे एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कौन सी थी वो लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट Temperature, uh, luminous intensity, or uh, amount of substance, amount of uh, substance. न टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये आपके पास कौन सी थी ये आपके पास सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हैं इन्हीं से मिलकर जो है वो डिराइव्ड यूनिट जो है वो बनती हैं कौन कौन सी लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग हैज द डिराइव्ड यूनिट तो डिराइव्ड यूनिट कौन सी है तो आप देखिए लेंथ मास टाइम तो आपके पास कौन सी होगी फंडामेंटल यूनिट्स होगी तो डिराइव्ड यूनिट कौन सी होगी आपके पास विलोसेज यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सॉरी uh, 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेलोसिटी उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है पैरालेक्टिक सेकेंड इज इक्वल टू या फिर पारसेक भी इसे बोलते हैं ये किसका यूनिट होता है ये होता है आपके पास डिस्टेंस का यूनिट ठीक है लार्जेस्ट डिस्टेंस का ये आपके पास यूनिट होता है पारसेक या पैरालैक्टिक सेकंड

मीटर तो जब मीटर में पूछा गया हो आपसे तो मैंने आपको दोनों ही वैल्यूज़ लिखवाई हुई हैं इनफैक्ट मैंने तीनों ही इसमें लिखवाया हुआ है जो भी मैंने आपको डिस्टेंस uh, के यूनिट पढ़ाए थे एस्ट्रोनॉमिकल uh, यूनिट पढ़ाया था पार्सेक यूनिट पढ़ाया था लाइट ईयर के बारे में बताया था तो ये सारे ही मैंने uh, मतलब इन तीनों के ही यूनिट को मैंने चेंज करके आपको वैल्यूज़ जो हैं वो लिखवाई हुई हैं कि मीटर में क्या होगा लाइट ईयर में क्या होगा या पारसेक में पूछा जाए तो यूनिट्स क्या होंगी ठीक है तो वो एक बार उनको जो है आप रिवाइज कर लीजिएगा तो यहाँ पर जो पार्सेक है यानी पारलेटिक पैरालेटिक सेकेंड है वो किसके बराबर होता है वो होता है अगर मीटर में पूछा जाए तो वो होता है थ्री पॉइंट ज़ीरो एट फोर इंटू टेन रेस टू पावर सिक्सटीन मीटर के यानी कि जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3.084 पॉइंट जीरो एट फोर इंटू टेन रेज पावर सिक्सटीन मीटर के और अगर आपसे लाइट ईयर में पूछा जाए कि वन पर सेक यानी वन पैरालेटिक सेकंड जो है वो लाइट ईयर में कितना है तो वो होता है आपके पास थ्री पॉइंट टू सिक्स लाइट ईयर के बराबर ये सारी वैल्यूज जो हैं वो मैंने आपको लिखवाई हुई हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू वन एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है वैसे तो वन एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो होती है वन एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है टेन रेस्ट पावर माइनस टेन मीटर होती है लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर में पूछा हुआ है कि वन एंगस्ट्रॉम जो है वो मिलीमीटर में कितना होगा ऑप्शन ए है टेन रेस्टू पावर माइनस सिक्स मिलीमीटर ऑप्शन बी है टेन रेस्टू पावर माइनस सेवन मिलीमीटर ऑप्शन सी है टेन रेस्ट टू पावर माइनस एट मिलीमीटर ऑप्शन नंबर डी है टेन रेस्टू पावर माइनस नाइन मिली तो जब मिलीमीटर में पूछा हुआ है तो आपको मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा यानी आपको मल्टीप्लाई करना होगा टेन रेस्ट टू पावर थ्री के साथ जब आप टेन रिस्टू पावर थ्री के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बेस बेस जो है वो सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी और एड करने के बाद प्लस माइनस करके जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेन रेस्ट पावर माइनस सेवन मिली मीटर तो वन एंगस्ट्रॉम अगर मिलीमीटर में पूछा जाए तो कितने के बराबर होता है टेन रेस्टू पावर माइनस सेवन मिली मीटर के बराबर और अगर मीटर में पूछा जाए तब तो आपको पता ही है टेबले माइनस टेन मीटर के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है यानी आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो uh, क्या होती हैं ठीक है ऑप्शन नंबर ए है वॉल्यूम ऑप्शन बी है टाइम ऑप्शन सी है विलॉसिटी ऑप्शन डी है फोर्स तो आप सभी जानते हो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है सेवन मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी होती है तो उनमें से आप देख सकते हो कि जो टाइम है वो कौन सी क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ टाइम कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइम जो है आपके पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और बाकी ये जो बच गई वॉल्यूम वेलोसिटी, फोर्स ये सारी कॉन्सिक्वेंटिटी है ये डिराइव्ड क्वान्टिटी है ठीक है डेराइव क्वांटिटी क्यों है क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर जो है वो बनी होती है जैसे फोर्स है फोर्स क्या होता है आपके पास मास इनटू एक्सलेशन और मास कौन सी क्वांटिटी है आपके पास मास आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है उसी तरह से एक्सलेशन होता है एक्सलेशन आप कैसे निकालते हो चेंज इन बिलासिटी अपॉन टाइम ठीक है तो विलासिटी आप विलासिटी कैसे निकालते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो उस तरह से ये सारी जो है जो डेराइव्ड क्वांटिटी होती हैं ये कहाँ से आती हैं बे बेसिकली बेसिकली ये फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आती हैं तो इन्हें जो है वो डराइव क्वांटिटी जो है वो बोलते हैं तो ये सेशन था आज का आ, फिजिक्स के टॉप टेन क्वेश्चन थे यहाँ पे जो हमने डिस्कस किए तो आई होप ये क्लास आपको जो है वो अच्छी लगी होगी हम इसी तरह के और भी एम जो हैं वो आ, 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 आपके साथ जो है वो डिस्कस करते रहेंगे तब तक के लिए थैंक यू हैव अ